गला गिरा लिए थे और कदम कदम कर रहे थे। चुनाव मैदान में भाग खड़ा हुए नमस्कार, मैं हूं सीमा, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 विधायक अचानक से टूट करके आरजेडी में चले गए और उन लोगों ने तेजस्वी यादव के साथ इसी बिहार विधानसभा में पहुंचकर ये दावा पेश किया कि अब हम ओवैसी के साथ नहीं हैं बल्कि अब हमारी जो सियासी ज़िंदगी है वो लालू प्रसाद यादव के साथ गुजरेगी। लेकिन मीडिया के सामने खास तौर से उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे अख्तरुल ईमान, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन लोगों ने धोखा दिया है, छलावा किया है और ये लोग जब अपने इलाके में जाएंगे यानी सीमांचल के इलाके में तो वहाँ जनता इन्हें सबक सिखाएगी। अख्तरुल ईमान ने ये भी दावा किया कि आज 4 गए हैं लेकिन कल हम 24 को लेकर के इसी बिहार विधानसभा में पहुँचेंगे। तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले हम आपको न्यूज़ नेशन पर दिखा रहे हैं कि ये देखिए किस तरह से जो 4 विधायक हैं, इजहार, असफी, सैयद रुकनुद्दीन और शाहनवाज समेत जो 4 विधायक हैं वो बैठे हुए हैं और एक जगह गोपनीय मीटिंग चल रही है। न्यूज़ नेशन पर आप देख रहे हैं कि ये 4 शाहनवाज के आवास पर बैठे हैं और ये लोग रणनीति बना रहे हैं कि आखिरकार ये जो हंगामा हुआ है कि लोग जो विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी का हवाला देकर के ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है और लालू प्रसाद यादव का हाथ थामा है। जिस वक्त टिकट इन्हें नहीं मिल रहा था उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने इन्हें टिकट दिया और बिहार विधानसभा पहुँचाया, लेकिन अब जबकि 2 से 2.5 साल का वक्त गुजर गया है इन लोगों ने गद्दारी की और आरजेडी का दामन थाम लिया और किस तरह से जा करके लोगों से मिला जाए, किस तरह से जो लोग नाराज़ हैं सीमांचल के इलाकों में उनका मुकाबला कैसे किया जाए, शायद इसी बात को लेकर के बिल्कुल गोपनीय मीटिंग इन लोगों की चल रही है। आप विजुअल के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से 4 लोग एक साथ बैठे हैं सर जोर करके और आपस में ये लोग मीटिंग कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि जो सियासी तौर पर नाराजगी है वो तो अलग है लेकिन जो जनता की नाराजगी है सीमांचल के इलाके में जो लोग हमारा मुकाबला करेंगे या हमसे मुकाबला करेंगे, सियासी तौर पर जो उलट फेर हुआ है उससे लेकर के जो नाराजगी है लोगों में, वहाँ लोगों को किस तरह से समझाया जाएगा, उनका किस तरह से मुकाबला किया जाएगा। अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा था कि ये लोग जब अपने इलाके में जाएंगे तो वहाँ लोग इन्हें सबक सिखाएंगे, इसलिए कि जज्बाती तौर पर लोग इनसे जुड़े थे और लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी को वोट दिया और ये लोग जब बिहार विधानसभा पहुंच गए तो मौका को समझते हुए ये आरजेडी के साथ चले गए और उनको कौन जवाब देगा जिन लोगों ने इनको वोट दिया था, इन पर भरोसा किया था, इन पर एतमाद किया था, तो शायद इन्हीं चीज़ों को लेकर के इसलिए कि बिहार विधानमंडल का जो मानसून सत्र है वो ख़त्म हो चुका है, इसके बाद अब लोगों को अपने अपने इलाकों में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना होता है, तो शायद इन्हीं चीज़ों को लेकर के आप देखिए कि किस तरह से लोग बैठ करके आपस में वो 4 विधायक जो बागी हो गए थे आरजेडी में चले गए वो मीटिंग कर रहे हैं। आप देखिए विजुअल से कि आपस में कुछ भी जो बातें हो रही है वो मीडिया के सामने नहीं आ रही, किसी के सामने उन सारी बातों को शेयर नहीं किया जा रहा है कि आखिर क्या रणनीति बन रही है, लेकिन रणनीति तो कुछ और ज़रूर ये लोग बना रहे हैं कि आखिर सीमांचल के इलाके में जाके किस तरह से लोगों का मुकाबला करेंगे, किस तरह से बातें होंगी, ये जो नाराज़गी है उसे कैसे दूर किया जाएगा। हालांकि नाराज़गी के बारे में कल अख्तरुल ईमान ने साफ तौर पर कहा था कि ये लोग आज पार्टी के साथ गद्दारी किए हैं, असदुद्दीन ओवैसी को धोखा दिया, हमें धोखा दिया है, तो जो सीमांचल की जनता है वो इन्हें ज़रूर सबक सिखाएगी। आप देखिए विजुअल के माध्यम से कि किस तरह आपस में लोग बैठे हैं और गोपनीय तरीके से ये मीटिंग की जा रही है। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, नमस्कार। चुनाव मैदान में भाग खड़ा